अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी, जिसके अज्जा हैं आधा किलो चिकन है बोनलेस, 3 अदर टमाटर हैं जिसकी हमने प्यूरी बना ली है, 1 कप फ्राइड अनियन है, प्याज है जिसको हमने ब्राउन कर लिया है, 1 कप दही है, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 4 छोटी इलायची है, 1/2 चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर लिया है जिसको हमने भून लिया है, और कसूरी मेथी 1/2 चम्मच। ये ग्रेवी का मसाला है जिसमें हमने हसब जायका नमक लिया है, 1/2 स्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा है, 1 टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी है। चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन है जिसको हमने इसको क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है। 1 पैन लेंगे, इसमें 1/2 कप जो है इसमें हमने तेल डाला है, उसके बाद 4 इलायची छोटी डाली हैं, और उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल लिया है। चिकन डाल इसको हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, हल्की आंच पे इसको। इसके बाद हम 4 चम्मच इसमें दही के भी शामिल कर देंगे, और इसको साथ में इसके पकाएंगे। जब दही का पानी इसमें खुश्क हो जाए या अच्छी तरह से भून जाए तो इसको अलग कर लें। अब दूसरा पैन लेंगे, उसमें हमने 1/2 कप तेल डाला, उसमें चॉप अदरक लहसुन डाला है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हम 1 कप तली हुई प्याज डालेंगे और इसको चलाएंगे। इसके बाद हम 1/2 कप इसमें पानी डाल देंगे और मसाले शामिल कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से, तो इसके बाद टमाटर प्यूरी भी डाल देंगे। और 1/2 कप पानी शामिल करेंगे और 1/2 इसमें दही डालेंगे हम इस, और इसको मसाले को पकने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा और मसाला भुनने लगेगा, खूब अच्छी तरह से भुन जाए मसाला, के बाद हम फ्राई चिकन भी डाल देंगे इसमें। और 1/2 कप पानी डाल देंगे इसमें। इसके बाद हमने सूखी मेथी, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी ऊपर से डालेंगे और मिला लेंगे इसको, और फिर 1/2 कप पानी डालेंगे और फ्रेश क्रीम डाल देंगे 1 पैकेट। और इसको मिला लें अच्छी तरह से, 15 मिनट के लिए इसको ढक दें ताकि दम पे आ जाए, और ये हमारी चिकन हांडी तैयार है। और अब इसको सर्व कर दें, थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया भी डाल दें।